कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी, स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था लगभग समाप्त ही हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा एवं कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष बीत जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियां का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह भी बकरी के समान होगी। जुआ, शराब, पर स्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। इस श्लोक में कहा गया है कि पुत्र पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधम तथा निरद्वेगो बृहद्वादी न निंदा उपलब्धति म्लेच्छी भूतम जगत सर्व भविष्यति न संशया हस्तो हस्तम परिमुसे युगान्ते समुपस्थिति। अर्थात पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए। इसका मतलब 5,123 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,17,870 वर्ष अभी बाकी है। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव की उत्पत्ति की शुरुआत होगी तथा नवीन युग का आरंभ होगा।